हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। आज रितिका मैं फिर से एक छोटे से ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने आई हूँ। एज यू नो कि आज तुलसी विवाह है और जेठान भी है, तो सुबह सुबह माँ और मौसी गई थी गंगा नहाने। तो वहाँ पे मौसी को थोड़ी सी ये ठंड लग गई है, तबीयत खराब हो गया, तो नीतीश थे नहीं घर में, तो हम प्रियंका और हिमांशु गए उनके लिए मेडिसिन लाने। तो सोचा हम क्यों ना कुछ खा पी के आए बाहर। तो सबसे पहले हमने मासी के लिए दवा ली, क्योंकि उनको सर्दी जुकाम भी हो रखा था और फीवर भी हो रखा था, इसलिए हमने सबसे पहले उनके लिए मेडिसिन लिया। उसके बाद गोलगप्पा खाया, फिर हमारा प्लान बना मोमोज खाने का। सो प्रियंका हमें लेके गई एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे मोमोज क्रंची बहुत ही टेस्टी मिलता है। अब वहाँ पे हिमांशु जी का डिमांड आया कि मुझे पिज्ज़ा खाना है, और हिमांशु को ये पिज्ज़ा खाना था। इन्होंने ये देखा पैम्पलेट, उसके बाद बोला कि ये पिज्ज़ा मुझे खाना है, तो हमने उनके लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करा। हम लोग कहाँ आए हैं हिमांशु? हम लोग कहाँ आए हैं? यहाँ पर चौमिन खाने। कहाँ पे हिमांशु? चौमिन खाने। क्योंकि मासी की तबीयत खराब थी, इसलिए तबीयत खराब में चटरपटर कुछ खाने का मन करता है, इसलिए मासी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना उनके लिए चौमिन लिया जाए। फिर हम पहुँचे चौमिन लेने। ओरे रे रे, ओरे रे 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 रे। अरे बस बस बस, हो गया प्यार। हिमांशु इतनी जल्दी किसी से फ्रैंक होते नहीं है जितनी जल्दी कि मुझसे वो फ्रैंक हो गया, और मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे वो छोड़ते ही नहीं है। गरम गरम कैसा लगा हिमांशु? अच्छा, आप कहाँ आए हैं खाने? इसके लिए ठंडा कर। यहाँ पर ये किसने ऑर्डर किया है? फिर हिमांशु ने बड़े चाप से पिज्ज़ा खाया और हमने मोमोज खाए। उसके बाद हम घर रिटर्न हो रहे थे, क्योंकि वहाँ का फास्टिंग था, इसलिए हमने उनके लिए स्पंज ले लिया, क्योंकि फास्टिंग में स्पंज बहुत काम करता है। फिर हम पहुँचे घर। मासी, क्या खा रही हैं आप? पिज्ज़ा खा रही है, आपका तबीयत खराब है ना? फीवर हो रखा है, फिर भी पिज्ज़ा खा रही है। कितना मजे से खा रही है। हिमांशु नानी क्या खा रही है? पिज्जा। आप क्या खा रहे हैं? घर आने के बाद माँ ने स्पंज खाया और मासी ने बड़े चाव से चौमिन और पिज्ज़ा तो लिया, बट वो खा नहीं पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। उसके बाद माँ ने घर के बाहर दीप जलाए, क्योंकि आज तुलसी विवाह भी है, तो माँ ने सब घरों में दिया बत्ती करके उसके बाद उन्होंने घर में दीप जलाया, और घर के बाहर भी दीप कैंडल, जैसे दिवाली पे हम लोग जलाते हैं, वैसे ही सभी घरों के बाहर आज के दिन हमारे यहाँ दीप जलाया जाता है। सो माँ ने भी सभी घरों में दिया बत्ती करके और घर में दीप जलाया। तुलसी और सालिग्राम का विवाह समारोह एक सरल अनुष्ठान जो तुलसी के पौधे और सालिग्राम की मूर्ति के चारों ओर लाल धागा बांध कर किया जाता है। कई लाल धागा दोनों के बीच प्यार और मिलन के बंधन को दर्शाता है।